सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि सी लैंग्वेज की क्लास चल रही है, तो आज सी लैंग्वेज की क्लास में ये बच्चे हैं और इनमें हैं विराट, विशेष और अभिषेक। ये लोग एक पैटर्न बनाएंगे खास तरीके का, तो चलिए ये देखते हैं ये लोग किस तरीके का पैटर्न बनाते हैं। तो स्टार्ट किया जाए, ये कोड ब्लॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, इसके ऊपर ये लोग कोडिंग करेंगे। तो चलिए आइए, आप कोडिंग करिए। मेन फंक्शन बनाया है आपने, स्मॉल मेन, गुड। और यहाँ पे तीन वेरिएबल इन्होंने बनाए, बल्कि पांच वेरिएबल बनाए हैं, पांच वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट एफ लगा रहा है ताकि क्या स्क्रीन पे दिखेगा वो यहाँ से डिसाइड होगा प्रिंट एफ लगाने से, है ना। और यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ रोज इन्होंने लिखा, यानी रोज की संख्या आपको एंटर करनी है, यानी यूजर द्वारा एंटर करी जाएगी, टर्मिनेट किया। और यहाँ पर चूंकि यूजर एंटर करेगा इसलिए क्या लिखा जा रहा है, स्कैनअप, ठीक है ना, स्कैनअप लिखा जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ओके ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन रखा इन्होंने। और यहाँ पे बी माइनस माइनस किया, ठीक है, पहले माइनस माइनस, ओके ठीक है। माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट करना। यहाँ फिर वापस से फॉर लूप लगाया जा रहा है, तो लूप के अंदर जब लूप लगता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं, क्या बोलते हैं, और यहाँ पर एक वेरिएबल c नाम से बना जो बना हुआ है उसको यूज किया जा रहा है, c इज इक्वल टू b लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी c है b के बराबर और c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और फिर c माइनस माइनस किया गया है और स्टार पैटर्न ये प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार आया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। चेंज करने के लिए बैकस्लैश n, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और क्लोज किया। फिर यहां पर अब उल्टी दिशा में इसको रिपीट करना, मतलब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला बनाने के लिए। तो यहाँ डी नाम से जो वेरिएबल लिया उसमें डी इज लेस देन किया गया, उसके पहले ग्रेटर देन किया जा रहा था, तो ये लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। और यहां पर डी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, तो कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे E इज इक्वल टू, यहाँ भी स्टार्ट होगा कहां से, D से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि D में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, तो अब D से स्टार्ट किया गया, E इज इक्वल टू D, E इज लेस देन इक्वल टू A, ठीक है। और यहाँ पे E प्लस प्लस होगा ना, E प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनेगी और यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, जबकि हम स्कैनअप में जब एंट्री पास करते हैं स्कैनअप के लिए, तो उस समय परसेंट लिखा जाता है स्कैनअप में, ठीक है। और यहाँ पे लाइन चेंज करा दी गई, अब इसको बंद कर देंगे हम, जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतने ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, और इसको सेव करेंगे, कॉमा, सेव करिए, किसी भी नाम से सेव करिए, ठीक है, कंपाइल करिए, कंपाइल हो गया, चलिए रन करवाइए, ये रन हो गया। अब कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, आप एंटर कीजिए 12, तो ये देखिए 12 लाइन का पैटर्न है और रोज का प्रिंट हुआ है, ठीक है। एक तो यहां पर 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा, ठीक है। और दूसरा आपने कहां गलती करी थी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है, बाकी सब जगह ठीक है। अब इसको अगर हम चला देते हैं, कंपाइल करवाते हैं, ठीक है, तो आउटपुट कुछ इस तरीके का आएगा, देखिए देख रहे हैं, एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। यहाँ से जाएंगे बिल्ड पे, कंपाइल करेंगे और फिर यहाँ से रन करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो 6 डालेंगे, तो देखिए 6 रोज का पैटर्न प्रिंट हो रहा है, पहले सीधा फिर उसी का उल्टा, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके।